हमारे साथ रैना जोशी है। रैना जोशी के साथ काफी साल हो गए मुझे मिले हुए, और आज मैं भी काफी समय के बाद देखूंगी रैना को यहाँ। रैना रैना इज लाइक रैना इज अ स्टार। एक्चुअली रैना इज एब्सोल्यूटली अ स्टार, और आप जब उनको सुनेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो रहना आप है हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे? हाय यस मैम, आई एम देयर। हाय, हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू आंटी? आई आई एम एम फाइन। गुड, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग एंड सो गुड टू हियर यू। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संजीवनी। आप जो काम कर रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल, एंड यू आर पुटिंग द स्माइल्स इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो दैट्स अ कमेंडेबल वर्क। आई एम द साइड, मतलब आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट राइट नाउ अ बिट, बट आई एम द साइलेंट ऑब्जर्वर टू सी ऑल द अपडेट्स ऑफ संजीवनी दैट इज गोइंग ऑन थ्रू फेसबुक और थ्रू व्हाट्सएप और व्हाट एवर मीन्स आई कैन डू ऑफ ऑल द अपडेट्स एंड ऑल द वर्क एंड ऑल द प्रोग्रेस दैट इज गोइंग। थैंक यू रैना। और आपको ऐसा शायद लग रहा है, आपने बोला कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, बट पीपल लाइक यू हु आर एब्सोल्यूट स्टार्स व्हेन दे कम एंड शेयर देयर जर्नी, एक्चुअली यू आर एबल टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो एग्जैक्टली रैना, आप थोड़ा सा शेयर करो अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। एग्जैक्टली। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, लाइक फिनिक्स बोलते हैं कि देयर इज अ बर्ड हु इज फिनिक्स, हु जल जाता है पूरा एंड देन दे रिवाइव फ्रॉम द एशेस। सो फॉर मी एवरी कैंसर पेशेंट इज अ दैट फिनिक्स दैट रिवाइव देमसेल्व्स एंड रिलीव देयर लाइफ। सो मेरे लिए यही है कि हम लोग जो है वो एक अलग ही कम्युनिटी के लोग है, द वेल अपॉर्चुनिस्टिक पीपल वी आर, जिनको भगवान देते हैं ना कि बेटा दूसरा मौका दे रहे हैं, जी लो अपनी जिंदगी दोबारा ऐसे करके, वरना तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जी लो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बट हम उनमें से है, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी हु सर्वाइव एंड वी आर लिविंग द सेकेंड इनिंग्स। सो I am right now a dentist, and I have completed my bachelor's. I am going through my master's in the last. I am exam going postgraduate student, and I would be completing my master's in dental surgery also now. So I am. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रहना, अगर आप हिंदी में बात करोगे तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, प्लीज। हाँ, yes yes ma'am. So मेरी जर्नी है कि somebody मैं हूँ। छोटी सी बच्ची थी, 13 ईयर ओल्ड गर्ल। आई एम एन 13 ईयर ओल्ड गर्ल नाउ। द न्यू रैना, जो नई रैना है वो 13 साल की अभी हो गई है। तो 13 साल पहले इन 2006 मुझे डायग्नोस हुआ था ब्लड कैंसर। सो एट दैट टाइम 13 ईयर ओल्ड मैं इतना हेल्दी बच्चा था मैं कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि शायद मेरे साथ ये हो सकता है। बट वी टुक द रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट मिला एंड मुझे नहीं बता रहे थे इनिशियली व्हेन वी आर नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी व्हेन मुझे जब डायग्नोस हुआ था। सो December 11, 2006 वाज माय डायग्नोसिस डेट। तो उस दिन मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बस देख रही थी कि मेरे मॉम रो रहे हैं, मेरे डैड रो रहे हैं एंड दे आर लाइक शैटर्ड, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड कि मुझे हो क्या सकता है। आई नो कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग है, कि वो लोग नहीं रोएंगे, ऐसा कुछ भी टीवी मलेरिया होगा तो नहीं होंगे। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा तो कौन सा क्या चीज हो सकता है। फिर मैं सोच भी रही थी कि मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि मुझे एड्स होगा तो वो लोग रोएंगे नहीं। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, कुछ क्या हो सकता है ऐसा। सो देन आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट ओनली कि जो भी होगा दैट केम फ्रॉम एन इनर स्ट्रेंथ फ्रॉम मी, कि जो भी होगा फोड़ लेंगे, देख लेंगे, फोड़ देंगे, कुछ टेंशन नहीं करने का है। फिर मैं हम मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में तो जब सब पढ़ेंगे कैंसर कैंसर कैंसर, अ 10 ईयर 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड विल गेट टू नो कि हाँ अभी मुझे कैंसर है। सो वो भी नहीं पता था कि कैंसर क्या है। इट्स अ ड्रेडफुल डिजीज, लोग मर जाते हैं, सिर्फ इतना पता था। बट
सब
माँ बाप हो आप तो समझाओ, जान थोड़ी ना लाके हो सकता है. तो माय पेरेंट्स भी आई मस्ट थैंक टू देम, दे हैव सच अ स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड पॉजिटिव पेरेंट्स दैट आई हैव गॉट ऐसे करके. एंड के नहीं, उन्होंने बोला कि अगर उसकी आखिरी इच्छा भी है ना कि साइंस पढ़ ले तो भी हम उसको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है वो पढ़ रही है उसका जिम्मेदारी हम कर पाएंगे. एंड लकीली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे टीचर्स भी इतने अच्छे मिले हैं आज तक, टिल टू डेट मुझे टीचर्स भी उतने अच्छे मिले जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई करने में भी जब भी मैंने बोला घर से पढ़ाई किया तो घर से सपोर्ट किया, जब मेरे डाउट सॉल्व करवाने थे उधर जाके सपोर्ट किया. सो देन मैंने साइंस लिया, 2 साल मैं घर पे ही पढ़ी, मैं स्कूल जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, मेरे WBC 500 से 1000 के नीचे ही रहते थे तो मेरे को तो फुल आइसोलेशन था ऐसे करके. जो क्वारंटाइन स्टेज अभी ग्लोबल हो गया है वो क्वारंटाइन स्टेज मेरा तब भी था. तो मैं अभी भी यही मैसेज सारों को देना चाहती हूँ ना कि अभी हम लकी है कि उस टाइम पे मैं अकेली क्वारंटाइन होती थी, अभी सब हमारे साथ क्वारंटाइन हो रहा है. सबको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है तो सबको पता चलेगा कि क्वारंटाइन या कंडीशन या आइसोलेशन कंडीशन क्या रहता है ऐसे करके ना. तो कोई पूछेगा नहीं अभी आपको ना आइसोलेशन क्या रहता है. उस टाइम पे तो मुझे बहुत पूछते थे कि क्यों आइसोलेट करना पड़ता है, आर यू इन्फेक्शन. मैंने बोला मुझे तो आपको मेरे से इन्फेक्शन नहीं लगने वाला, आपसे मुझे इन्फेक्शन लगने के लिए खुद को बचा रही हूँ मैं ऐसे करके. और अभी हम है कि हम खुद को भी बचा रहे हैं, हम दूसरों के भी बचा रहे हैं. So, two years मैं घर पे ही पढ़ा सब. एंड देन व्हेन मैंने प्रीलिम्स दिया 12th स्टैंडर्ड का, सो तभी आई वाज नॉट एबल टू राइट मोर देन 60 मार्क्स. मैं 60 मतलब ज्यादा लिख ही नहीं पा रही थी. 60 मार्क्स का अगर 60 टू 70 मार्क्स का अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी, जबकि डॉक्टर बनने के लिए 90 मार्क्स इज मतलब वी हैव 90 टू 95 इज मैंडेटरी टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैं कैसे करूंगी. सो देन आई अपील्ड टू गुजरात बोर्ड, माय पेरेंट्स भी अपील टू गुजरात बोर्ड कि मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए. सो उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारे पास राइटर का फैसिलिटी है, उसके साथ हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके अलावा आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है. सो आई फाइंड कि मुझे मेरा पेपर मैं 3 घंटा बोलूंगी इतना बोलूंगी, मुझे मेरा पेपर मेरे हैंडराइटिंग अच्छा, मुझे मेरा पेपर खुद ही लिखना है, कोई मेरा पेपर ऑन नहीं लिखेगा, पर मुझे मेरे उसके बिना भी मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए. सो देन उस टाइम पे वी फॉट विद बोर्ड फॉर 4 long months विद गुजरात बोर्ड के क्यों तुम्हें हाफ एन आवर एक्स्ट्रा नहीं देना, तुम डेफ को देते हो, डम्ब को देते हो, ब्लाइंड को देते हो, फिजिकली हैंडीकैप को सब फैसिलिटी मिलती है, एनी फैसिलिटी यू गिव ओनली फॉर फिजिकली हैंडीकैप कंडीशन को ही क्यों हेल्प मिलती है, क्यों ल्यूकेमिया है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है और सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं. यहाँ पे वही होता है ना कि तुम पढ़ भी लो साइंस तो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे. 90% लोग मुझसे आते यही बोल रहे थे ना कि तूने ला भी दिया तो तू थोड़ी ना डॉक्टर बनने वाली, उसके लिए तो 90% चाहिए. तो आप वहीं पे बच्चों का ड्रीम शैटर कर रहे हो क्योंकि आपके पास गवर हमारे जोगवा ही में नहीं है ये चीज. तो हमने 4 महीने बोर्ड से फाइट किया. आई हैड टू वेरी गुड पीपल, एनजीओ सपोर्ट, युवा अनस्टॉपेबल था, मिस्टर नलीन भट्ट थे. So they all, the big people were also there who when, as they get to know, they were in my support. Ke nahi, agar ye bachi padhna chahti hai, toh happen. So first time in the board history, one day before my board exam, I got the facts from Gujarat board ke mujhe half an hour extra milega without a writer. So I gave my exams aur us time pe mere 77% aaye the. But mujhe MBBS nahi mil raha tha, mujhe sirf mil raha tha. DDS मिल रहा था मुझे, होम्योपैथी मिल रहा था और सब मिल रहा था, बट आई वॉज अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड के नहीं मुझे MBBS ही करना है ऐसे करके. तो आई गेव माई रिसबमिटेड माई रिजल्ट बैक टू गुजरात बोर्ड के मैं वापस से एग्जाम दूंगी और इस बार मुझे आधा घंटा ज्यादा भी नहीं चाहिए करके, और मैंने वापस से एग्जाम दिया. और इसी दौरान ऐसा नहीं था कि मैं कैंसर से हूँ, मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है ऐसे करके. तो मैंने वापस से प्रिपेयर किया, वापस तभी भी बोल रहे हैं कि 77% का रिजल्ट कौन वापस देता है ऐसे करके. फिर अब तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज नहीं आएगा तो तुम क्या करोगी, फिर नहीं एडमिशन मिलेगा. तभी भी वी स्टूड स्ट्रॉन्ग. सो एट दैट टाइम आई हैड माई फ्रेंड हु इज माई फियांसी नाउ, सो ही वॉज द वन टू टेल मी, माई पेरेंट्स वर लाइक तुम्हारा डिसीजन है, तुम
बोलेंगे तो वो चार लोग तो हमेशा ही होंगे, हमेशा बोलने वाले तुम्हारे पीछे के लिए. अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे. यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई नो, तो यू यूज रीसबमिट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल स्कोर बेटर इन अगेन इफ यू गिव. सो एट दैट आई पुट अप माय फोन एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स के नहीं, मैं वापस से एग्जाम दे रही हूँ. और उस टाइम पे मतलब थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी थे, दे वर हेजिटेटिंग टू गिव मी एडमिशन क्योंकि उनको ऐसा था कि मेरे सर्वाइवल चांसेस क्या है ऐसे करके. सो दे हैड अ डाउट कि इसके सर्वाइवल चांसेस क्या है कि हम उसको डोनेशन पे भी सीट देते हैं MBBS की. सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज व्हेन आई गॉट टू नो दिस थिंग आई जस्ट वेंट टू दैट पर्सन एंड आई जस्ट स्पोक सर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है कि बेटा जीना है तो प्रूव करके दिखा और जी के दिखा, तो मैं वो कर रही हूँ. सर सर आप मुझे ये बताओ कि आपके सर्वाइवल चांसेस क्या है कि कल आप हार्ट अटैक से या एक्सीडेंट से मर जाएंगे, तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो प्लीज लेट मी नो योर सर्वाइवल चांसेस टू कि आपके कितने परसेंट सर्वाइवल चांसेस है. फिर मैंने बोला कि नहीं लेना मुझे आपके वहां पे एडमिशन, और मैंने वापस से एडमिशन दिया और एग्जाम दिया एंड देन आई स्कोर्ड 83% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स तो होता ही है और भगवान का भी ऐसा होगा ना बेटा, MBBS इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, नहीं होगा बहुत ड्यूटीज आती है. एक मैं तुमको डॉक्टर बनाता हूँ ठीक है, सो कॉलेजेस कैंसल हो गए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, फोर कॉलेजेस गॉट कैंसल बिकॉज ऑफ देयर सैंक्शनिंग एंड ऑल स्टफ दैट स्कैम हैड कम आउट. सो फाइनली मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन लिया ऑन माय ओन मेरिट. देन चार साल so here in 2010 I completed my chemotherapy and I my last bone marrow biopsy was done which was under remission and my treatment got completed and in June I joined my dentistry. So 4 years then I completed my dentistry and throughout I was amongst top 5 students amongst 100 people and then I wanted to do a master's too further. तो तभी फिर मैंने 2 साल दिया, फिर मैंने फर्स्ट टाइम भी मैंने AIPG दिया, नहीं हुआ. फिर सेकेंड टाइम अगेन आई वॉज लकी टू गेट अ नीट, ऑल इंडिया नीट आ गया. सो देन आई स्कोर गेव द नीट एग्जाम, आई स्कोर 1200 ऑल ओवर नीट, स्टेट रैंक मेरा 35 आया और देन आई गॉट इन मनुभाई पटेल डेंटल कॉलेज राइट नाउ इन कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स बेसिकली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या मुंडिया की सारवाल बोलते हैं, एस्थेटिक्स माय डिजाइन है. सो उसमें मेरा अभी स्पेशलाइजेशन लास्ट ईयर चल रहा है. सो दैट इज द 13 ईयर जर्नी दैट आई हैव कंप्लीटेड सिंस देन टिल नाउ. सो व्हेन वन थिंग आई वांटेड टू टेल दैट व्हेन द टाइम जब मेरा एडमिशन हो रहा था तभी भी हम सबको पता है कि ऑल ओवर 5% फिजिकली हैंडीकैप वालों को स्पेशल कोटा मिलता है एडमिशन के लिए इन एनी फील्ड यू गो. सो तभी भी मैंने एडमिशन कमेटी से मेरा फाइट था कि क्यों 5% फिजिकली हैंडीकैप को ही कोटा मिलता है, क्यों मतलब अगर ल्यूकेमिया है कीमोथेरेपी चल रही है तो स्ट्रगल नहीं है, सिकल सेल एनीमिया स्ट्रगल नहीं है, कोई सेरेब्रल पाल्सी है, एपिलेप्सी है, डायबिटीज है बच्चा तो उनको स्ट्रगल नहीं है इतना, मतलब स्ट्रेस होके भी वो पढ़ रहे हैं. आप यू आर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड क्योंकि देयर आर मेरे पेरेंट्स स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ टू फाइट फॉर माई लाइफ कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है. सबके पेरेंट्स और सबको इतना सपोर्ट नहीं मिलता तो क्यों आप सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप को 5% कोटा देते हो. सो एट दैट टाइम वी हैड अपील्ड अ लॉट. सो वो नहीं था तो एडमिशन कमेटी के चेयरमैन भी जो थे उन्होंने बोला बेटा नहीं होगा ऐसे करके, बट ही टू इज अ वेरी गुड मैन. सो 11 years आफ्टर दैट लास्ट इन 2017 देयर वाज एन अमेंडमेंट पास. तो जिस दिन अमेंडमेंट पास हुआ उस दिन उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया कि बेटा आज सुबह से मैं तुमको याद कर रहा हूँ. मैंने बोला क्यों अंकल आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं, तो बोला कि आज अमेंडमेंट पास हुआ है कि इन 5% फिजिकली हैंडीकैप कोटा, इन दैट 5% कोटा अलोंग विद फिजिकली हैंडीकैप 20 अदर कंडीशंस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, cerebral palsy, leukemia, all these conditions are also included in this special quota. So, tabhi main jab ye amendment mere haath mein aaya, I was remembering you, ke na 7 years back there was a girl
जो आई थी इतना 3 महीने उसने फाइट किया था कि क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा ऐसे करके, तो आई वाज रिमेंबरिंग यू एंड सो आई स्पेशली कॉल्ड यू फॉर कांग्रेचुलेटिंग. सो यू डू नॉट बिलीव दैट द एट दैट डे व्हेन आई लिसनड लाइक दैट दिस अमेंडमेंट हैज पास्ड आई वाज लिटरली क्राइंग लाइक के मैंने तो आई वाज एबल टू फाइट फॉर माय लाइफ एंड फॉर माय करियर. आई हैड गुड पीपल, आई हैड गुड सपोर्ट. एवरी पर्सन डजंट गेट. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उनके भी ड्रीम्स कंप्लीट हो. सब कर देते कि नहीं ना कुछ मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं ऐसा पूरी जिंदगी बोलूं कि मैं डॉक्टर बन पाती पर मुझे ब्लड कैंसर हो गया, मैं ये कर पाती बट ये हो गया. और ये मगर में ही बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं नहीं करना नहीं करना, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए ऐसे करके ना कि नहीं होता ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसे करके. और तो मेरा यही था कि it's like I couldn't do, but now along with me those million people would also be able to fulfill their dreams. Along jo maine dekha hai wo sapna wo bhi pura kar payenge unke agar agar magar wo unke aage nahi aayega is wajah se ke nahi mujhe ye cheez hua hai main mere zindagi mein aage nahi badh sakti. So that is the journey. कितना सुंदर आपने रहना बात बताई कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं लाइफ में उनको पहली बात तो पता चले कि ड्रीम क्या है और दूसरा वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिर उसको परस्यू करना, कैंसर हो या ना हो उस उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्रीम इज अ ड्रीम एंड इट नीड्स टू बी फुलफिल्ड, दैट इज व्हाट इट इज. तो कितनी सुंदर बात हमें रैना ने बताई, अगर मगर नहीं करना है, अपना सपना है खुद को ही पूरा करना है और हर चीज से लड़ जाना है, हर चीज से लड़ जाना है उस सपने को पूरा करने के लिए. अगर इतनी छोटी सी बच्ची उस उम्र में ये डिसाइड कर सकती है और पूरे सिस्टम के साथ इसको परस्यू कर सकती है और आज वो हमारे सामने डॉक्टर बन के बैठी हुई है और डॉक्टर के साथ ही रैना की इंगेजमेंट अभी हुई है, उसकी शादी होने वाली है 30th November को. आपके पास फोटो है रैना? Yes, I have the photo. दिखाइए. मैम एक्चुअली ही मस्ट बी अटेंडिंग आल्सो लाइव इन द सेशन प्रोबेबली. ओह वेरी नाइस, कैन वी टॉक टू हिम? व्हाट इज हिज नेम? श्रीधर जोशी. ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस श्रीधर जी प्लीज. हाय श्रीधर. हाय श्रीधर. हेलो. हाय, सबसे पहले तो अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग एंगेज्ड एंड फॉर हैविंग दिस प्रिविलेज of being associated with such a beautiful girl who is beautiful from the inside. Sridhar, aapko itne sare log aaj dekh rahe hain, aapse sunna chahenge ki aapko Raina ki sabse achhi cheez kya? Sabse achhi cheez to wahi hai ki wo kabhi haar nahi manti aur jo kabhi haar nahi mante wo hamesha jeette hain. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और आप लोग की दोस्ती काफी पुरानी है आई थिंक, इज़न्ट इट? यस, 11 इयर्स. सो श्रीधर, आई मीन आई मस्ट गिव इट टू यू, सो आई एम एक्चुअली मैं तो बहुत ही प्राउड हूँ अबाउट रैना और काफी समय से उसको जानती हूँ. श्रीधर, आपकी सिर्फ मैंने अभी तक पिक्चर्स देखी है जो रैना मुझे कभी कभी भेजती है, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू ऑल्सो कि आप रैना के साथ पूरे इस चैलेंजिंग टाइम में रहे और उसके बाद और उसी का रिजल्ट है कि अब आप आगे से अपनी खूबसूरत जिंदगी को एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच में प्रॉब्लम आने पर चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेटिव्स हो बीच में कहीं थक के साथ छोड़ देते हैं, तो हम लोग उनका तो कुछ नहीं कर सकते जो हमारा साथ छोड़ देते हैं, बट हम अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी का ऐसे समय पे हाथ नहीं छोड़ेंगे
जब उसका कोई थोड़ा चैलेंजिंग फेज चल रहा हो, बिकॉज हम लोग उनके साथ रह के ऐसे समय में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि अपनी लाइफ में. बिकॉज आई एम श्योर रैना एंड श्रीधर, आप दोनों की जो ग्रोथ की जर्नी साथ में हुई होगी, इट मस्ट हैव बीन एक्सेप्शनल. It must have been exceptional, isn't it, Sridhar? Yeah, true. Absolutely. So I'm so proud of both of you, and thank you so much for talking to us. And मैं 30 नवंबर का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब आप लोगों की शादी है. तो मैं बड़ौदा आने वाली हूँ आप लोगों की शादी में. So thank you so much, Rana, and thank you so much, Sridhar.